मैं कार्तिका को नमन करता हूं, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम, बच्चों को ढेर सारा प्यार। फिर लेकर हाजिर हुए एक बार साप्ताहिक राशिफल। सबसे पहले बात सप्ताह के मुख्य त्योहारों की। 2 तारीख सोमवती अमावस्या है, भाद्रपद अमावस्या है, सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या बोलते हैं। निश्चित तौर पर पूजा पाठ करना चाहिए शिव जी की ज्यादा से ज्यादा आज के दिन। आगे बढ़े, टीचर्स डे है 5 तारीख को, तो निश्चित तौर पर सर झुकाइएगा अपने टीचरों के आगे। 6 तारीख को हड़ताल का तीज है, 7 तारीख को गणेश चतुर्थी है, तो काजे बाजे के साथ गणेश जी का आह्वान करिएगा और उनकी पूजा पाठ करिएगा। ऋषि पंचमी 8 तारीख को इस सप्ताह मनाई जाएगी। अब बात करते हैं आपके राशिफल की। सबसे पहले बात मेष लग्न और मेष राशि वालों की। मेष लग्न मेष राशि वालों, नौकरी व्यापार के लिए समय ठीक ठाक रहेगा, कारोबार में मनचाही सफलता मिलेगी, नौकरी में तरक्की रहेगी, लेकिन थोड़ा स्लो रहेगा मामला। धन आर्थिक स्थिति की बात करें, धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं, आय के नए स्रोत खुलेंगे, पैसा रुपया आसानी से आएगा। दाम्पत्य जीवन की बात करें, पारिवारिक जीवन की बात करें, सुख शांति बनी रहेगी। संतान प्राप्ति का इंतजार कर रहे हैं तो वो इच्छा पूर्ण होती दिखती है। स्वास्थ्य के मामलों में सेहत सही रहेगी, लेकिन मानसिक परेशानियों से घिरे रहेंगे। शुभ तारीख 4 और 7। उपाय, बजरंग बाण का पाठ करें। भाग्य को मिलते हैं 10 में से 6 अंक। बात कर लेते हैं वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों की। नौकरी व्यापार करियर कारोबार के सिलसिले में यात्रा होगी, लाभप्रद रहेगी। लंबी दूरी की यात्रा भी हो सकती है, कार संबंधित विदेश भी जा सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होती ही दिखती है, धन रुपया पैसा आसानी से आएगा, शेयर मार्केट से लाभ होगा। दाम्पत्य जीवन की बात करें, जो लोग विदेश जाना चाहते हैं बहुत शानदार रहेगा, छात्र पढ़ाई के लिए भी बाहर जा सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी, प्रेम प्रसंग में अलगाव की स्थिति बन सकती है। स्वास्थ्य के मामलों में अगर स्वास्थ्य खराब चल रहा है तो सुधार देखने को मिलेगा। शुभ तारीख 5 और 8 रहेगी। उपाय, श्री सूक्त का पाठ करें, निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। भाग्य को मिलते हैं 10 में से 9 अंक। बात कर लेते हैं मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों की। जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब मिलने की संभावना है, नौकरी में तरक्की के योग हैं, नौकरी में समय बेहतर हो चला है। आर्थिक स्थिति की बात करें, इन्वेस्टमेंट लाभ लेके आएंगे, मनचाहा लाभ मिलेगा। घर गाड़ी बंगला या शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड बॉन्ड में भी पैसा इन्वेस्ट करना इस सप्ताह ठीक रहेगा। दाम्पत्य जीवन पारिवारिक जीवन पार्टनर के साथ खुश दिख रहे हैं, आर्थिक स्थिति अच्छी पार्टनर की होती दिख रही है, प्रेम प्रसंग में लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य के मामलों की बात करें, मानसिक सेहत पर ध्यान दें, मेडिटेशन योगा करें, सर्दी जुकाम बुखार परेशान कर सकता है। शुभ तारीख 5 और 7 रहेगी। उपाय, तुलसी जी की सेवा करें। भाग्य को मिलते हैं 10 में से 8 अंक। बात कर लेते हैं कर्क लग्न और कर्क राशि वालों की। नौकरी व्यापार, कर्क राशि के जातक काफी बिजी रहेंगे, कार्य क्षेत्र में काम बोझ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। धन आर्थिक स्थिति की बात करें, ज्यादा मुनाफा प्राप्त होगा। पारिवारिक दाम्पत्य जीवन की बात करें, रिश्ते नाते की दृष्टि से यह माह कभी गर्म तो कभी नरम रहेगा, पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर गलतफहमी हो सकती है। स्वास्थ्य के मामलों में सेहत में जो परेशानी चल रही थी वो भी ठीक हो जाएगी। शुभ तारीख 6 और 7, नारायण कवच का पाठ करें। भाग्य को मिलते हैं 10 में से 7 अंक। बात कर लेते हैं नौकरी व्यापार की। युवाओं को रोजगार की संभावना दिख रही है, नौकरी व्यापार में लाभ मिलेगा। आर्थिक स्थिति धन की आवक बढ़ती हुई नजर आ रही है। पारिवारिक जीवन, गलतफहमी की वजह से किसी रिश्तेदार के साथ बहस हो सकती है, लव पार्टनर के साथ रिश्ता बेहद मजबूत होता हुआ दिख रहा है, सुखद समय बिताएंगे फैमिली मेंबर के साथ। स्वास्थ्य के मामलों में बोन्स से संबंधित कोई प्रॉब्लम वापस आ सकती है। शुभ तारीख 3 और 7। उपाय, श्रीयंत की पूजा करें। भाग्य को मिलते हैं 10 में से 8 अंक। बात कर लेते हैं कन्या लग्न कन्या राशि वालों की। नौकरी व्यापार गुड न्यूज से भरा रहने वाला है, कार्य क्षेत्र हो या फिर कारोबार, हर जगह अपना नाम कमाएंगे। धन आर्थिक स्थिति की बात करें, जितना परिश्रम करेंगे उतना ही मुनाफा प्राप्त होगा। पारिवारिक दाम्पत्य जीवन, शादीशुदा जातकों को थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य, बेवजह की भागदौड़ करने से बचें, ठंड के समय थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत रहेगी, यहां पर भी जिन इलाकों में भी ठंडक है। शुभ तारीख 4 और 7। उपाय, देवी दुर्गा की पूजा करें। भाग्य को मिलते हैं 10 में से 8 अंक। तुला लग्न तुला राशि वालों के साथ, कार्य क्षेत्र में लाभ मिलेगा, कार्य क्षेत्र बेहतर रहेगा, वर्कलोड थोड़ा बढ़ा रह सकता है, आर्थिक स्थिति बढ़िया रहेगी। पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन, अपनी वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखें, घर में वरिष्ठों की बात अनसुना ना करें नहीं तो दिक्कत होगी।
स्वास्थ्य के मामलों में आलस में आकर बहुत मौके हाथ से गवा देंगे। शुभ तारीख 2 और 7, उपाय शिव चालीसा का पाठ करें, भाग्य को मिलते हैं 10 में से 8 अंक। बात कर लेते हैं वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि वालों की। अपना ज्यादा समय कारोबार में बिताएं, कारोबार संबंधित चीजों में बिताएं। कार्य क्षेत्र में अधिकारियों का भरपूर साथ मिलेगा, लाभ मिलेगा। धन आर्थिक स्थिति की बात करें तो निश्चित तौर पर धन का फ्लो अच्छा रहेगा, किसी चीज को लेकर कोई दिक्कत नहीं आएगी। पारिवारिक दाम्पत्य जीवन युवाओं के लिए बहुत बेहतर, नया द्वार खोलेगा, जीवन साथी की तरफ से कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है। स्वास्थ्य के मामले में बाल झड़ने को लेकर परेशान रहेंगे। शुभ तारीख 5 और 6, उपाय श्रृंगार की सामग्री का दान करें शुक्रवार के दिन, भाग्य को मिलते हैं 10 में से 7 अंक। बात कर लेते हैं धनुलग्न धनुराशि वालों की। मान सम्मान में बढ़ोतरी हो रही है, व्यवसाय की दृष्टि से उतार चढ़ाव रहेगा थोड़ा, धन आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, आय के नए स्रोत खोलेंगे। पारिवारिक जीवन, जो लोग सिंगल हैं वो मिंगल होंगे, उचित रिश्ते आएंगे। संतान को देखकर मन प्रसन्न रहेगा, सेहत ठीक ठाक रहेगी। शुभ तारीख 4 और 8, उपाय हरे रंग के वस्त्र धारण करें, भाग्य को मिलते हैं 10 में से 8 अंक। बात कर लेते हैं मकर लग्न मकर राशि वालों की। जो लोग अपना नया कारोबार खोलना चाहते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया, अपनी नौकरी बदलने का प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा रुक सकते हैं। धन आर्थिक स्थिति से भी सप्ताह शुभ रहने वाला है, यदि आपने कुछ कर्ज लिया था तो उसमें काफी हद तक उतारने में सफल होंगे। पारिवारिक दाम्पत्य जीवन रिश्ते नाते के लिहाज से बहुत बेहतरीन सप्ताह रहेगा, पार्टनर के साथ प्रेम में बढ़ोतरी होगी। स्वास्थ्य के मामलों में धूम्रपान या शराब पीने की आदत परेशान करेगी, इसलिए खत्म करने की कोशिश करिएगा। शुभ तारीख 6 और 7, श्री गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएं, उनकी चालीसा का पाठ करें, भाग्य को मिलते हैं 10 में से 7 अंक। बात कर लेते हैं कुंभ लग्न कुंभ राशि वालों की। बेरोजगार लोगों के लिए गुड लक लेकर आया है सप्ताह। सत्ता सरकार से जुड़े हुए लोगों को गुड न्यूज मिलेगी, लाभ होगा। आर्थिक पक्ष उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलेगा, धन बढ़ेगा। पारिवारिक दाम्पत्य जीवन मधुर रहेंगे संबंध, घर की मरम्मत का भी प्लान बना सकते हैं। हाथ पैरों में स्वेलिंग आए तो डॉक्टर को दिखा लीजिएगा। शुभ तारीख 6 और 8 रहेगी। उपाय, किचन में बनी पहली रोटी गाय को खिलाइएगा बृहस्पतिवार के दिन, भाग्य को मिलते हैं 10 में से 8 अंक। बात कर लेते हैं मीन लग्न मीन राशि वालों की। हर काम उत्साह से करेंगे, व्यापार के लिए नई योजनाओं पर काम करेंगे, कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति की बात करें, आर्थिक दृष्टिकोण से बेहद सप्ताह शुभ रहेगा। धन और आय के लिहाज से देखा जाए तो उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन समय बहुत बेहतरीन रहेगा। पारिवारिक दाम्पत्य जीवन, पार्टनर के साथ चल रही गलतफहमी दूर होगी। घर के बुजुर्ग अपनी सेहत का खास ध्यान रखें, युवाओं को उनके किसी विशेष कार्य के लिए सम्मानित किया जाएगा। स्वास्थ्य के मामलों में ध्यान करना फायदेमंद रहेगा। शुभ तारीख 4 और 5, उपाय, काले कुत्ते को जरूर खाना खिलाएं, भाग्य को मिलते हैं 10 में से 8 अंक। तो शेयर सब्सक्राइब लाइक करिए, औरों तक पहुंचाइए। आज के लिए फिलहाल प्रतीक भट्ट का बहुत बहुत धन्यवाद।